وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب الرحمن والصلاة والسلام على صاحب القرآن ما شاء الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ساڈیاں اڈیکانوں ਸਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ. ਇਹ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ. ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ. ਸਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ. ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਣਾ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾਣਾ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾ ਕਾਰ ਨੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾਣਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ. ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ. ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵਖਾਣਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵਖਾਣਾ ਸਰ ਕਾ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵਖਾਣਾ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾਉਣਾ
सारियां हमदां तमाम खूबियां उस रब्बुल आलमीन दे वास्ते ने जिसने सानू इंसान बनाया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम दी उम्मत दे अंदर पैदा फरमाया। अल्लाह पाक दी हमदो सना और हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते बाबरकात ला तदाद मरतबा हदीए दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज्ज़ज़ उलमाए कराम नात खाना ने शीरी बयान मेरे अजीज़ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और बच्चियों तालिब इल्म साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी बाबरकत महफिल पाक अल्लाह ताला दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासादत दी खुशी दे अंदर कुल बाजवा दे गौर मुसलमाना ने सानू सारियां नू साथियां नू इकट्ठा करके सजाइए। अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह पाक मेरा तुहाडा आना जाना मिल बैठना और दूर दराज तो जो मेहमान ने ग्रामी तशरीफ लियाए ने अल्लाह सब दा इस बरकत बड़ी महफल च बैठना कबूल फरमा के साडे दिलां विच इश्के मुस्तफा दी अल्लाह शमा रोशन फरमाए। बिल्कुल थोड़े जे वक्त दे अंदर दो तीन गुजारिशात आप दोस्तां दी समाज दे हवाले करना चाहना। मौजू मैं छोटा जहा रखे है अपनी कम इलमी ते कम अकली दे नाल हो सकता है मैं कुछ अर्ज ना कर सकां लेकिन नीयत दे नाल मैं अपने घर तो चल के ते आप दोस्तों की ज़ियारत वास्ते आया कि इब्राहिम अली सलातो सलाम दी इतनी बड़ी वो जो नमरूद ने अग बाली सी ना बुलबुल अपनी चूंच दे अंदर एक कतरा पानी दा लैके आई सी जबकि उहदे नाल वो अग नहीं सी बुझनी। सदियां बीत गई अज भी उलमा और नात खानान मेरे नबी पाक दे आशिक दे दीवाने उस बुलबुल दा चंगियां लफ्जां नाल जिक्र कर रहे ने ते अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैह सलाम जदों मिस्र दियां बाजारां दे अंदर फरोख्त होण लगे एक दो आने की अट्टी लैके एक बुढ़ी माई यूसुफ दा खरीददार बन के गई ते किसे पुछे अम्मा कित्थे चली है तो उन्हें आख्या यूसुफ नू खरीदन खुलासा है वे उन्हें आख्या अम्मा चली हुई है बड़े बड़े बादशाह ते वजीर उहदे खरीददार ते तू दो आने की अट्टी लैके चली है आख्या पुत्रा इस गल का मैनू भी पता है कि मेरी अट्टी का यूसुफ नहीं आना पर जदों क्यामत नू रब पुछेगा ना उठो यूसुफ दे खरीददार ते मैं भी खड़ी हो जावांगी। अब सुनो मील आमील तो दूर दराज तो सफर करके अपना कीमती वक्त छड़ के असी सारे इस मकाम दे उत्ते एक नीयत लैके आए हैं मुल्क दे नामवर खुतबा उलमा खतीब नाद खाना तशीफ लियान गे जिन्हां नू तुसां समाध करना है इहदी एक नीयत कर लो। मैं नीयत करके आया नीयत ये वे कि असी सारे इस मकाम दे उत्ते इस वास्ते आए हैं अल्लाह की हमदो सना बयान करन अल्लाह की हमदो सना बयान करन और उस रब का शुक्र अदा करने वास्ते जिन्हें सानू एडी शान वाला रसूल अता फरमाया है। जी आबादी समझ आ गई है अगली गल की फिर समझ आ जाएगी। अल्लाह का शुक्र अदा करन आया जिस रब ने सानू शान वाला रसूल अता फरमाया है। हुण तुहानू जल्दी जल्दी मैं दो हदीसां सुनाना ते तवज्जो मेरे वल रखियो। असी सारे बैठे हाँ तलावत हो रही है नात हो रही है सरकार दी शान बयान हो रही है असी सारे बैठे हाँ मस्जिद नबी शरीफ है
मेरे नबी पाक दे गुलाम बैठे ने आपस के अंदर कुछ गल्लां पे करदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक दे अंदरों निकले, जल्दी जल्दी गल सुना जाना थोड़े वक्त दे विच बहुत ही गल हो जाए, तो उस सहाबा कराम की जमात दे कोल आए। उस सहाबा की वे करदे सन, अल्लाह दे नबी दियां शाना पे बयान करदे सन। तो जदों सरकार आए ना तो सहाबा खामोश हो गए, तो नबी पाक ने फरमाया मेरे गुलामो तुसी इत्थे की वे करदे सो, ते कोई मां दा पुत्तर ऐसा कायनात दे अंदर जमया जेड़ा ए लफज आके कि सहाबा कराम ने नबी पाक दे नाल गलत बयानी कीती सी? ए हो सकदा नहीं। उन्हें अर्ज कीती ए कमली वालिया असी इत्थे बह के अल्लाह दा शुक्र पे अदा करने आ जिन्हें सानू एडी शान वाला रसूल अता फरमाया। हुण जरा फिर मैं जिथों गल छेड़ी सी ना नाल लै के टुरांगा, कोशिश करांगा इक्को मौजू ते दो चार मिनट गुफ्तगू करा। असीं इत्थे बैठे अल्लाह दा शुक्र अदा करन गए, अल्लाह तेरा शुक्र है एडी शान वाला रसूल दिता ही। सहाबा आखिया या रसूल अल्लाह असीं इत्थे शुक्र भी अदा करने आ उस रब दा जिन्हें सानू एडी शान वाला रसूल दिता है। हुण जरा मेरे वल तकियो, बड़ी मेहरबानी तवज्जो रखियो जवान मुंडे खास करके बुजुर्ग अदब की जगह ने जिथे भी ढोल आ के बैठे ने बस समाध फरमान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जदों सहाबा ने यह आख्या ना या रसूल अल्लाह असी अल्लाह का शुक्र भी अदा करने आ, ते सरकार नूं अपने गुलामां दी गल ते तवार सी, पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम चुको तुसी वाकई अल्लाह का शुक्र भी अदा करते सो। उन आख्या वल्ला अल्लाह दी कसम है या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम है असी अल्लाह का शुक्र भी अदा करते सा। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा मनू तुहाडे ते बेतबारी नहीं सी, मनू पता सी तुसी सच पे आंदे हो, इत्थे बह के तुसी अपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हो, पर मैं फातिमा के हुजरे दे विच बैठा चश्मे जारी होंदे वेखे ने, मेरा कलमा पढ़िया तुसा सुकियां खजूरां उगदियां वेखियां, मेरा कलमा पढ़िया तुसा पत्थरां नूं कलमे पढ़दियां वेखिया, मेरा कलमा पढ़िया मैनू वेख के जे तुसा भी नहीं मैनू मनना ते फिर किन्ने मनना है। उन्हें हाथ बन के आख्या कमली वालिया ना फरिश्तियां दा ईमान अजीब है ना साडा ईमान अजीब है, फिर कमली वालिया तुसी दस दिओ ईमान किदा अजीब है। मेरे लजपाल नबी ने 14 सदियां पहले मदीने की सरजमीन के उत्ते बैठ के अपने सहाबा की जमात के अंदर फरमाया मेरे सहाबा फरिश्तियां दा ईमान अजीब नहीं, तुहाडा ईमान अजीब नहीं, पर उन्हां लोकां दा ईमान अजीब होएगा जिन्हां मैनूं वेख्या नहीं। वह सुनणगे कि मुहम्मद नबी आया सी, उन्हें उंगलों के नाल इशारा करके चन्न तोड़ दिता सी। ओ गुलाम मेरे सुनणगे कि मुहम्मद मुस्तफा नबी मक्के शरीफ के अंदर आया, उन्हें डुबदा सूरज वापस लियांदा सी। ओ सुनणगे ते किताबां दे अंदर पढ़नगे कि मुहम्मद पाक ने अपनियां उंगलां दे पानी दे चश्मे जारी कीते। मेरे गुलाम सुनणगे कि मुहम्मद मुस्तफा दे इशारे नाल पत्थरां ने कलमा पढ़े। ऐ मेरे गुलामो ना फरिश्तियां दा ईमान अजीब है ना तुहाडा ईमान अजीब है। मैं उन्हां सदियां बाद आने वाले अपने गुलामां नूं दसना जिन्हें मैनू वेख्या नहीं, बिन वेख्या मेरा कलमा भी पढ़नगे, मेरे नारे भी मारनगे, उन्हां दा ईमान अजीब है। तवज्जो 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 फरमा के अपने सीने दे उत्ते हाथ रख के अपने मुहम्मदी मुस्तफा दी अजमत बोली मुसलमान। मेरे नबी ने सहाबा वल वेख के फरमाया ऐ सहाबा तुहानू एक बारी मुबारक होवे, तुहां मुहम्मद नू वेख के कलमा पढ़िया। मैं अपने उन्हां गुलामां नू जिन्हां बिन वेख्या मुहम्मद दे नारे मारने ने मैं मुहम्मद सत सत बारी मुबारकबाद दे। अल्लाह पाक तुहाडी मुहब्बत नूं सलामत रखे। मैं सिर्फ पढ़ना नहीं सी, थोड़ा जिहा पढ़न लगा इस वास्ते कि तुहां मुल्क दे अजीम तो अजीम तर खतीब आलिम और नात खावां दियां नातां सुनियां ने, ते उन्हां दे आउंदे नूं किते इह ना आखण के बंदे पिंडां दे ने हौले हौले ने बोलदे बोलदे नहीं। मैनूं पता है मैं 10 साल तो तुहाडी ज़ियारत कर रहा, बड़ी बड़ी लोकां दे कोल गया, तुहाडा ज़ौक अल्लाह पाक सलामत रखे।
दो हदीसा मैं सुनाइया ने जिम्मेदारी के नाल आवाज कैच हो रही है तस्वीर कैच हो रही है तुहाडी कोई शान एवें नहीं ओ यारो तुसी ओ वो जिन्हां 1442 साल पहला मेरे कमली वाले ने 7 वारी मुबारकबाद दिती सी। मैं नहीं कभी तकरीर च आख्या सुभान अल्लाह पर यह गल जिहड़ी है ना नबी पाक ने खुदा दी खुदाई दे बादशाह ने अपने उन्हां गुलामां नूं जिन्हां बिन वेख्या नारे मारे ने उन्हां नूं 7 वारी मुबारकबाद दिती हुण चुप कना करियो उच्ची आखो सुभान अल्लाह अल्लाह पाक तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए। हुण जरा हौली हौली गल सुणियो मैं जिहड़ी गल शुरू कीती सी ओह इह सी कि साडा नबी सानूं तकलीफ च नहीं वेख सकदा ओह साडी मुहब्बत दे रही इसने सरकार ने अपने गुलामां नूं बिठाया ते फरमाया जल्दी जल्दी हदीस सुनाना मेरे वल ध्यान रखियो क़यामत वाला दिन होएगा सबज जोड़ा पा के आदम अलैहि सलाम बैठे होंगे ते मैनू आवाज मारनगे या मुहम्मद आ असी आने या रसूल अल्लाह ते मैं पूछांगा की गल है तो मैनू आखणगे या मुहम्मद ओ वेखो तराजू ते ना अमाल धोले जा रहे ने ते तुहाडा एक गुलाम बड़ा परेशान उहदे कोल खलोता है ते सरकार फरमाणगे मैं उहदे कोल जावांगा उहनू पूछांगा की गल है उह आखेगा ए कमली वाले आ मेरे अमाल धोले गए ने ते मेरियां नेकियां थोड़ियां ने ते बदियां बहुतियां ने सरकार फरमान के मैं अपने कागज ते ना कुछ लिख के ना ते उस तरकड़ी च धरांगा ते पलड़ा भारी हो जाएगा ते वह बंदा जंती हो जाएगा ते सहाबा पुछया या रसूल अल्लाह वो तुसी कागज दे उत्ते की लिख के पाओगे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा तुसा मुहब्बत ना दुनिया विच मेरे ते दरूद पड़िया होएगा। हदीस नंबर 4 समाप्त फरमाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मदीने की सरजमीन के उत्ते बह के मस्जिद नबी शरीफ के अंदर सहाबा इकराम ने पूछा ए कमली वाले जदों दिल करदा रज रज के तेरा मुखड़ा वेने आ ए 14वीं दे चन नाल बहुता चमकन वाला चेहरा वेने आ पर कमली वाले बजमे मैशर विच अगर असी तेनू मिलना चाहिए ते तेरा टिकाणा कित्थे होएगा तू सानू कित्थे मिलेगा हुण टिकाणे 3 मेरे नबी ने बयान किए सुनियो मुहब्बत ना वेखियो कि शान वाला नबी आया शुक्र क्यों ना रब दा अदा करिए सब तो पहले मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर मेरे गुलाम दुनिया वाले मुहब्बत करने वाले क्यामत वाले दिन मनु मुहम्मद नू तलाश करना चाहन ते मैं तराजू दे उत्ते होवांगा जिथे गुलामां दे अमाल तुलदे होणगे अगर किसे दियां नेकियां घटदियां होणगियां ते मैं पूरियां फरमा देवांगा। गुलामां कीती कमली वालिया दूजी जगह केड़ी है फरमाया पुल सिरात 500 साल की मुसाफत का सफर तलवार नालों तेज वाल नालों बरीक पुल मेरे गुलाम उत्थों दी गुजरनगे मैं उन्होंने गुजारन दे विच मदद करदा होवांगा। फिर अर्ज कीती या रसूल अल्लाह तीजी जगह केड़ी है फरमाया मैं कौसर दे मकाम ते होवांगा अगर कोई मैनूं वेखना चाहे तो मैं अपने गुलामां नूं पानी पिलांदा होवांगा। शुक्र अदा करना चाहिए बोलो ना यार ओ हसान बिन साबत ने ते मदीने बह के सरकार नाद खां मेरे सोहने सोहने पुत्र बैठे ने नाद खां ते उलमाए कराम इन्हां नूं पुछो ओ कमली वाले दा चेहरा वेख के ते मेरे नबी ने मिंबर दिता ते फरमाया हसान उठां दरा ते मेरी नाद पढ़ ते हसान ने नबी पाक दा चेहरा वेख्या इहदे ख्यालां च पढ़ने आ ना उन्हें आख्या वा आसानू मिन कलम तारा कत तो आए नहीं ए कमली वाले मेरी अख ने तेरे जिहा सोहना वेख्या ही नहीं ते वेखे किवें कमली वालिया मेरे वेखन च कमी हो सकती है तेरे जिहा सोहना किसे मां जमे ही नहीं खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्ना ककद खुलिकता कमा तशा ए कमली वालिया तेनू बे ऐब पैदा किया गया ते जिवें तू चाहया तेनू उवें बनाया ए अरबी जबान दे अंदर हदीसे पाक च ना ते मुल्क नहीं दुनिया जान दे कोने कोने दे उलमा ते नाथ खां पढ़ते ने जे तू थोड़ा जिहा मेरा साथ दिओ ते इस जौक नू बरकरार रखन लई हजरत हसान दी उस गल दा कि तेरे जिहा सोहना कोई नहीं तू बेऐब है ते जिवें तू चाहया तेनू रब ने उवें बनाया है जरा बरकत वाले उहदा तर्जमा करने आ ते फिर चुप कोई ना रहो बुढ़ा बीमार कट के जवान सीने का जोर ला के अपने नबी का शेर पढ़ो तेरे जिया आना ना आया कमली वा बड़ी मेहरबानी मुसलमान भाईओ तेरे जिया आना ना आया कमली
रब ने भी दूजा नहीं बनाया कमली, हर शै खुदा ने अपनी मर्जी ना बनाई है, हर शै खुदा ने अपनी मर्जी ना बनाई है, पर तेनू तेरी मर्जी ना बनाया आखो जरा तेनू तेरी मर्जी ना बनाया कमली, तेनू तेरी मर्जी ना बनाया कमली, इना सारियानू आका दर ते बुला लो, इना सारियानू आका दर ते बुला लो, आका जिन्ना तेरी महफल नू सजाया, बड़ी मेहरबानी मुसलमानों इना दरो दीवार नू अपना गवाह बना लवो, असा तेरी महफल नू सजाया कमली, हाँ हाँ असा तेरी महफल नू सजा। ईसाई सवाल करे मेरा नबी शान वाला है, मुसलमान दा हक बनदा है अपने नबी दी शान बयान करे, यहूदी सवाल करे मेरा नबी शान वाला है, मुसलमाना दा हक है अपने नबी दी शान बयान करन। अल्लाह पाक ने असी सुनी सारे नबियां नू मनने आ मुसलमान भाईओ, हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम अल्लाह पाक ने बड़िया अजमतों तो नवाजिया, बड़िया शाना तो नवाजिया, हुण जरा तवज्जो नाल समात फरमाना, कितनी शान मूसा अलैहि सलातो सलाम नू अल्लाह ने दिती है। ऐ मेरे वल तकियो, अपने गिरेबान दे अंदर एवें हथ पा के मूसा हथ बार कढ़दे ने, हथ बल्ब दी तरह बलदा है रोशन हो जांदा है, अल्लाह ने एडी शान वाला सानू रसूल दिता है, मेरा नबी सोटी नू हथ लांदा है सोटी रोशन हो जांदी है। ईसा अलैहि सलातो सलाम बीमारां नू दम करदे ने शफा मिलदी है, मरन वालियां दी कबर ते जाके आंदे ने कुंभी नीला मरन वाला खड़ा हो जांदा है। आओ मुसलमानों, अगर तुसीं अपने नबी दी शान बयान करोगे, अगर अजमत बयान करोगे, मर्तबा बयान करोगे, गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे। फिर आओ मुसलमानों, एक हदीस पाक सुना के अपनी हाजरी मुकम्मल करना वा, जिसा असा सारे अपने नबी दी महफल सजाइए। सहाबा इकराम मेरे नबी पाक दी अपने घरां दे अंदर दावत करदे सन, हजरत जाबर मेरे नबी दी पाक बारगाह दे अंदर हाजर होए, अर्ज कीती मदीने दे ताजदारा मैं तेरी दावत करना चाहना वा, मेरी सरकार ने दावत नू कबूल फरमाया। जाबर अपने घर दे अंदर गए, मेरे नबी पाक दे आन दी खुशी दे अंदर एक छोटा जिहा बकरी दा बच्चा लिया, उन्हूं ज़िबा फरमाया, आप दे दो नन्ने नन्ने शहजादे वेखदे ने पे, अज बाबा जी ने बकरी दा बच्चा किवें ज़िबा कीता है, वड्डा भरा छोटे नूं आंदा है, आ दसा अज अब्बा जी ने बकरा किवें ज़िबा कीता है, वीर नूं जमीन दे उत्ते लटा लिया है, उहदे हत्थां ते पैरां नूं बन्न दित्ता, छुरी लै के अपने वीर दे गले दे उत्ते फेर दित्ती, बच्चा तड़पिया खून निकलिया शहीद हो गया, मां ने अपने पुत्तर नूं तड़पदियां वेख्या है, मां दौड़ी बच्चे नूं बचाण वास्ते, दूसरा बच्चा डर दे मारिया दौड़िया कोठे ते चढ़िया, मां पिछे दौड़ी, बच्चा कोठे तो डिगा, दूजा भी बच्चा फौत हो गया। इतल नबी दे आउन दा टाइम आन वाला है, उतल बच्चियां दियां लाशां पईयां होईयां ने, वाह तेरी कबर ते रब दियां करोड़ां रहमतां होण, जे नबी दे आउन दी खुशी करा या पुत्रा दा गम करा, इतल पुत्रां दियां लाशां पईयां ने, उतल नबी दे आउन दा वेला हुंदा है पिया, मां सोचदी है पई हुण की करा, जे नबी दी मुहब्बत ज्यादा होए चेहरे ते आसार भी मुहब्बत दे होणगे, पुत्रां दा गम ज्यादा होएगा चेहरे ते आसार भी गम दे होणगे, तेरी कबर ते रब दियां करोड़ां रहमतां होण। उन आख्या नबी आउंदा है पिया, पता नहीं फेर मुकद्दर जागण के ना जागण, ओ पा दिओ लाशां ते कपड़ा, नबी आउंदा है पिया,
नबी खुश हो के टुर गया। पुत्रां दा की अल्लाह नबी दा सदका पुत्र होर भी अता फरमा देगा। पुत्रां दियां लाशां ते कपड़ा पा के नबी दे आउण दी खुशी दे अंदर मां गोशत पुणदी है पई, सालन तैयार हो गया। जाबर नूं बुलाया गया, फरमाया ए जाबर मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर जाओ। जाबर सरकार दी बारगाह वल तुर पे, ओ तल जबरील अल्लाह दा पैगाम लैके आ गया। फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमी। तू ते इमामुल अंबिया बन के आया है, हबीबे खुदा बन के आया है। एक कमली वालिया तू जाए उना दे दिल रोंदे होण, ओ गमजदा हुण तेरी रहमत किवें गवारा करेगी। पहले उना दे आंसू पूछना, जाबर दे गम दे अंदर शरीक होना, फिर खाना तनावल फरमाना। फरमाया मेरे आका नूं अल्लाह ने अपने नबी दी शान नूं बयान करके फरमाया, एक कमली वालिया ए मक्के ते मदीने वालिया तेरी अजमत नूं वेख्या है। ऐ तेरी उंगली उठदी सी, चन्न दे दो टुकड़े हो जांदे सन, ए उंगली दा इशारा हुंदा सी, डुब्बा सूरज वापस आ जांदा सी। उंगली दा इशारा होया, उंगलियां दे अंदरों पानी दे चश्मे निकल आए, पत्थरां नूं कलमा पढ़दियां लोकां वेख्या है। खलासा दी से पाक दा पेश करना मुसलमान भाईओ, ए सारियां शानां तेरियां मक्के ते मदीने दियां लोकां ने वेखियां ने। ऐ कमली वालिया अज फेर तेरी अजमत दा ऐलान कीता जाएगा, तेरी शान दा ऐलान कीता जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लैके आ गए, खाना चुन दिता गया। जाबर अर्ज करते ने एक कमली वालिया खाना शुरू फरमाओ। मेरे नबी पाक ने फरमाया ए जाबर अपने बच्चों नूं बुला के लिया, हाथ बन के अर्ज करते ने एक कमली वालिया बच्चे किते खेड़दे होणगे, पेश कर देंगा, आप खाना शुरू फरमाओ। फरमाया जाबर उस वेले तक खाना नहीं खाना जब तक तेरे बच्चे नाल बह के नहीं खाणगे। जाबर अपने घर जाते ने, अपनी बीवी नूं फरमाया बच्चे किथे ने, सरकार बुलांदे ने पए। बीवी रो पई, हाथ बन के अर्ज कर दिए मेरे सरताज साडी ते दुनिया लुट गई, एक बच्चा छुली तले आण के फौत हो गया, दूजा कोठे तो डिग्गा फौत हो गया। जाबर रोंदे होए मेरी सरकार दी बारगाह विच आ गए, अल कीती कमली वालिया मेरी दुनिया लुट गई, मेरे ते दोए बच्चे फौत हो गए ने। रब्बुल आलमीन दा प्यारा महबूब जिदी आमद दी खुशी दे अंदर असी सारे साथी इकट्ठे होए हां, क्यों ना उस रब दा शुक्र अदा करिए जिन्ने एडी शान वाला रसूल अता फरमाया है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए जाबर बच्चियां दियां लाशां किथे ने, अज कीती कमली वालिया पेश करना वा। जाबर अंदर गए, अपने हत्थां दे उत्ते उठा के अपने दुआ बच्चियां दियां लाशां लैके मेरे नबी पाक दी पाक बारगाह दे अंदर आ गए। अल्लाह दी इज्जत दी कसम मुसलमानो, उंगली ना चन्न ते टुकड़े हुंदियां लोकां वेख्या सी, सूरज वापस आउंदा भी वेख्या सी, पत्थरां नूं कलमे पढ़दियां भी वेख्या सी, चश्मे जारी हुंदियां भी वेख्या सी, खजूरां उगदियां भी वेखियां सन। हूरो गिलमान ने नज़ारा वेख्या, चश्मे फलक ने यह नज़ारा वेख्या, कायनात दियां फरिश्तियां ने नज़ारा वेख्या। दोए बच्चियां दियां लाशां उठा के जाबर मेरे नबी दे सामने आए ने, एवें मेरे नबी ने अपनी उंगली उठाई है, एवें नबी ने उंगली का इशारा किया है। अजतल कमली वाले की उंगली उठी, उतल जाबर दे बच्चे कलमा पढ़ते हुए जिंदा सलामत खड़े हो गए। माशाल्लाह ए वजह जे असी तां रब दा शुक्र अदा करन बैठे, एडी शान वाला रसूल है। सरकार नन्नी जी उम्रे पाक, सरकार दी नन्नी जी उम्रे पाक जी 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 बस तू ही मैनू इशारा फरमा देना, मेरी आदत है मैं अद्धा सेकंड भी उत्ते नहीं खड़ा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
इतनी शान वाले असी हुण मैं चार हदीसां आप दोस्तां दी समाधे वाले कीतियां और इन्हां दा ताहयात मैं जिम्मेदार हां। अपने अल्फाज दा आवाज भी कैच हो रही है, तस्वीर भी बन रही है। एडी शान वाला रसूल आया, असी तां अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करन वास्ते इत्थे बैठे हैं। हुण शुक्र क्यों ना अदा करिए, सुनो आयतां आ गईयां, गल बड़ी लंबी है ते पिछली सारी कट करके खुलासा ही सिर्फ सुना लो। वीर जी थोड़ी जी आवाज़ जरा कट करो, जरा शोर ज्यादा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, बड़ा प्यारा साउंड, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आयत आ गई कि पुल सिरा तू लंघना, 500 साल तेज घोड़ा दौड़े ते फिर वो पुल पार होएगा, वाल नाल बरीक तलवार नाल तेज थले जन्म, नेक बद चंगे मंदे सारिया उतू नहीं लंघना। मेरे नबी पाक उठे, मक्के जो बाहर निकल गए, एक गार विच तशरीफ लै गए। वह सियाबा जो सुबह शाम सरकार का दीदार करते सन, नबी नज़र ना आए तो सुकून किवें मिलता। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, तीजा दिन तीजी रात, तीन दिन दे तीन रात। मुसलमान भाईओ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकीलिया पत्थरां दे उत्ते सर रख के मेरा नबी सजदा करके रोंदा है पिया, उम्मत दी मगफरत दियां दुआवां करदा है पिया। सियाबा इकराम आ गए, उन्हें आख्या कमली वालिया अपना सजदे विचों सर उठाओ, इन्हां गुलामां नूं अपना दीदार करा दिओ। मगर मेरा नबी उम्मत वास्ते कितना गमगीन है, असी अपने रब का क्यों शुक्र अदा ना करिए। मुसलमानों, अल्लाह पाक ने इतनी मुहब्बत करने वाला रसूल अता फरमाया है। सुलेमान फारसी सियाबा दे अगे बोल के आंदे ने, सियाबा एक दर ऐसा दसना वा जिथे जाओगे खाली वापस नहीं आओगे, आओ दरे बतूल दे उत्ते चलने आ। सय्यदा फातिमा दी गल मेरे नबी ने कदी नहीं मोड़ी। हजरत सुलेमान फारसी सियाबा नूं लै के हजरत सय्यदा दी बारगाह दे अंदर आए, अज कीती सय्यदा, अज तीन दिन गुजर गए, नबी पाक दा दीदार नहीं कीता। सरकार उस गार दे अंदर सजदा करके रोंदे ने पए, उम्मत दी मगफरत दियां दुआवां पे कर देने, हजरत सय्यदा साडे नाल चलो, तुहाडी गल सरकार नहीं मोड़नगे। हजरत सय्यदा ने चादरे तती रोड़ी परदे दी हालत दे अंदर अगे अगे चल के जदों गार दे बूहे दे अगे पहुंचियां, मुसलमान भाईओ अपने दिलां दे उत्ते हथ रख के खामोशी दे नाल समाध करके फैसला करना, क्या उस रब दा शुक्र अदा करना चाहीदा कि नहीं करना चाहीदा, जिन्ने एडा प्यार करन वाला रसूल अता फरमाया है। गार दे सामने आईयां, अज कीती अब्बा हजूर सजदे विचों सर उठाओ, इन्हां गुलामां नूं अपना दीदार करा दिओ। बारा बार इसरार, सरकार रोंदे ने पए, सजदे विच सर रख के उम्मत दी मगफरत दियां दुआवां पे करदे ने। हजरत सय्यदां दियां ने, ऐ बाबल जदों तियां बाबलां दे बूहे ते आउंदियां ने, बाबल अपनियां तियां नूं वापस नहीं भेजदे, अज सजदे विचों सर उठा के अपनी बेटी नूं दीदार करा दिओ। हजरत सय्यदा गार दे विचों बाहर आ गईयां, आसमान ने खुदावंदी वल अपना चेहरा उठा के अर्ज करदियां ने, ऐ रब्बुल आलमीन तेरे नबी दी बेटियां, क्यामत दा दिन होएगा जदों उम्मत मुहम्मदी दे अमाल तोले जाणगे, अगर नेकियां कट गईयां बदियां वध गईयां, मैं अपने पुत्र हसन दा कुर्ता नेकियां दे परले दे अंदर रख देंगी, अगर फिर भी मेरे अब्बा दी उम्मत दे गुनाह वध गए, मैं पलड़े दे अंदर अपने हुसैन दा खून आलूद कुर्ता रख देंगी। मेरे वालदे मोहतरम दी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे, मेरे अब्बा हजूर दी उम्मत दी मगफरत फरमा दे, अगर फिर भी पलड़ा बारी ना होया, मैं अपनी सर तू चादर उतार के पलड़े दे अंदर रख देंगी। ऐ ओ वाल ने जिन्हों सारी जिंदगी सूरज ने नहीं वेख्या, अजतल सय्यदा दुआवां पियां कर दियां ने, रब्बुल आलमीन दी रहमत जोश विच आई, फरमाया जबरील हुक्म रब्बे जलील, फरमाया जल्दी ना मेरे नबी दी बारगाह अंदर चला जाओ, जाके नाले सलाम कर, नाले कह दे एक कमली वाले आओ, मेरा रब सलाम पियांदा है, नाले रब फरमांदा है पियाओ, अपना सजदे विचों सर उठा के अपनी बेटी फातिमा नूं दीदार कराओ,
और नाले कह दियो ए फातिमा अपने सर तू चादर ना उतारी, तेरा रब वादा करदा है पिया क़यामत वाले दिन जदू तेरे महबूब वालद दी उम्मत दा मामला आएगा मैं तेरी चादर दी बरकत ना मुहम्मद दे गुलामां नू जन्नत अता फरमावांगा। अपने सर तू चादर ना उतार, तेरी चादर दी बरकत ना असी मुहम्मद दे गुलामां नू जन्नत अता फरमावांगे। सारी जिंदगी किसे नू तकलीफ दे अंदर सरकार दे ताहा दिशान वालिया अरशाते जान वालिया आकाशान तेरी बल्ले बल्ले रब भी सलाम कले दुश्मना दे पैरां थले चादरां वशान वालिया अरशां ते जान वालिया। ये तो दुश्मन भी आंदे सन ते किसे ना माड़ा नहीं सी, असी ते फिर भी नबी दा कलमा पढ़वा लिया। असी तां रब दा शुक्र अदा करन बैठे हां, ला तेरा करोड़ा वार शुक्र है तू सानू मुहम्मद मुस्तफा जैसा शान वाला नबी अता फरमाया। ते भला ते मेरी सरकार ने उम्मत दा भला कीता। लो बात खत्म कर देने आ, इस जौक शौक नू अगे सलामत रखणगे इंशाल्लाह। मेरे भाई साथी जितने भी तशरीफ ले आए ने, तुहाडी जौक ते मुहब्बत नू अल्लाह पाक सलामत रखे ए नन्ही जी उमरे पाक। ते मैं जिथे सरकार दी अजमत दा जिक्र होए ना, उत्थे मैं वह लोरियां देने वाली मां दा जिक्र करना भी जरूरी समझना कि सरकार ने इंसानां दे भले ही नहीं कीते, जानवर भी मेरे कमली वाले को आउंदे सन ते अपना मूँह तां नू चुक के ना ते अल्लाह दा शुक्र अदा करदे सन जिन्हें मुहम्मद जैसा नबी अता फरमा चलिया। अज कीती अम्मा जे इजाजत देवें ते तेरियां बकरियां ना चारन जावां, उम्र छोटी जी ना। अम्मा आख्या नहीं पुत्र रहन दे, तेरे ते मेरी जान कुर्बान, छोटा जा बच्चा तू जंगल में जाएगा। आख्या नहीं अम्मा तू मैनू इजाजत दे, मैं अपनी भैन शीमा दे नाल ना बकरियां चारन जाना। लो हजरत हलीमा साधिया ने इस इरादे ते चलो भैन नाल है वे इजाजत दे छड़ी, सरकार बकरियां चारन वास्ते गए। सारा दिन वह बदल छावा करते रहे, जंगल के जानवर बड़ी लंबी हदीसे पा के जंगल के जानवर झूम झूम के आन सरकार का दीदार करन, वेखते रहे वेखते रहे। दूजा दिन फिर आया, तीजा दिन फिर आया, वो तीन चार दिन जदों सरकार गए ना ते एक दिन हसूले बरकत वास्ते अम्मा लीमा फरमादियां ने मुहम्मद तू ना बकरियां ना चारन जाया कर, एवें मेरा दिल जहा डरदा है कोई जानवर जंगल का तेनों नुकसान ही ना पहुँचाए। सरकार माँ का हुक्म से आख्या ठीक है अम्मा जान मैं नहीं चाहता, वह भैन कली बकरियां लैके टुर गई। जदों डिगर का वेला होया ना तो पिंड रौला जहा पै गया, लोग आख्या शेर आया शेर आया शेर आया। वो जंगल का एक शेर आया छाला मारदा ते वह जनाब शेर ने ना हजरत हलीमा साहदिया की बकरी पाई मूँह में तो जंगल नस गया, जंगल नस गया। लोग डर गए पिंड दे सन, वह बच्चिया बच्चे जो खेलते खुलते सन अपने अपने घर वर गए। सरकार ने रौला चुकया तो बहर आए तो अम्मा फरमाते हैं अम्मा की होया रौला बड़ा पिया बहर, तो हजरत हलीमा फरमादियां ने पुत्र तू अंदर चल कोई गल नहीं अम्मा दस की गल है। उन्हें आख्या शेर आया सी तू उन्हें साड़ी बकरी चुक के लै गया। आख्या अम्मा शेर कौन है बकरी चुकने वाला, जे तू इजाजत देवें तो मैं तेरी बकरी ना लैके आवां। हथ बन ने आख्या तेरे ते हजारां बकरियां सदका करा कमली वालिया, ना 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 मैं नहीं इजाजत देंदी तेनू जंगल दे विच जाण दी। उह शेर दा की दवार है पर मन मन नहीं सी पता भी शेर बकरी क्यों लै गया। मेरी सरकार नू इजाजत फरमाई, अपनी अम्मा को इजाजत लैके कमली वाला जदों जंगल वाल तुरे, अपनी भैन नू लैके जंगल वाल जा रहे ने जदों जंगल आया। मुसलमान भाईओ तुसां वेख्या शेर दा की कम है, बकरियां चीर देना फाड़ देना खा जाना, पर वेख्या की ये ओ बकरी पट्ठे पे खांदी है शेर ओदी हिफाजत पिया करदा है। हजरत कमली वाले महबूब आए जंगल दे शेर वाला अपना चेहरा करके नन्ही जी उमरे पा के बड़े रोह दे नाल फरमाया ओ जंगल दिया शेरा
तेरी किवें हिम्मत पई तू मेरी अम्मा दी बकरी चुक के लै आए। जंगल दे शेर नू अल्लाह पाक ने जबान दिती, पहले आया मेरे नबी दियां कदमां नू चुम्मिया, चुम के जबान दिती। ए ना मुसलमान समझो शेरां, मेरे नबी ने मेरे नबी दे नाल शेरां ने गल्लां कीतियां, दीसां भरियां पईयां ने। मेरे नबी दे नाल ऊंठां ने गल्लां कीतियां, दीसां भर के वेखो। मेरे नबी दे नाल हरनियां ने गल्लां कीतियां। खलासा ए वे शेर अर्ज करदा है, ऐ कमली वालिया मैं कौन तेरी अम्मा दी बकरी लियाउण वाला। अज तीन दिन गुजर गए तुसी बकरियां चारण नहीं सवाए, जदों आउंदे सो असी तुहाडा दीदार करदे सां। अज तीन दिन गुजर गए तुसी नहीं आए, असां सारिया फैसला कीता पता नहीं कमली वाला क्यों नहीं आउंदा पिया। असां आखिया आओ हदीमा दी बकरी लै आउने आ, फिर कमली वाला बकरी लैन आएगा, फिर रज रज के मुहम्मद दा दीदार कर लवांगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह का शुक्र है जिन्हें एडी शान वाला रसूल अता फरमाया। जंगे तबूक उलमा तशी फरमाने बड़ी गुरबत दे दिन सन, सरकार ने पेड़ दे पत्थर बने। हजरत जाफर सरकार दी बारगाह चाहे जिन्हें मैं तुम्हें अगे गल सुनाई है। मेरे वाल हूँ जरा वेखोगे ना, तो हूँ ये हदीस पाक अकीदे की गल कर लगा। जवान मुंडे कॉलेजां च पढ़न वाले, स्कूलों च पढ़न वाले, दुकानदार बाबे भी सारे मेरे यार, ध्यान ना उन्हें हदीस पाक सुनियो। ढिड ते पत्थर बने ते खुदा दी खुदाई दा बादशाह ते आंदा की है, ऐ मेरे गुलामो अगर मैं चाहवां ओहद पहाड़ सोने दा बन के मेरे नाल टुरे। पेड़ दे पत्थर बने ने, ऐ मेरे वल वेखियो जरा हौली जी। कन्न विच हजरत जाबर ने आख्या या रसूल्ला जे तुसी इजाजत दियो ते चार कु बंदे नाल लै आओ ते मैं खाने दा इंतजाम करना ते आ जाओ। सरकार ने फरमाया चल। खाना पक गया, तैयार हो गया ते नबी पाक ने जितने भी खंदक खोदन दे सन ना उन्हां सारयां नूं आख्या भी आओ जाबर दे घर दावत खान चलीए। वह जदों इतना बड़ा मजमा सरकार दे घर पहुंचिया ना ते हज़रत जाबर आंदे ने चौं पंजां बंदियां दी रोटी पकाई है ते नबी पाक ते सारे सहाबा नूं लाए ने। ते बीवी फरमान लगी जिहड़ा लै के आया इंतजाम भी करेगा। हुण जरा मेरे वल वेखियो, बिल्कुल तवज्जो सारी मेरे वल कर लियो। नबी पाक ने, मैं जरा स्पीकर दे लागे गल करन लगा, जरा तुहाडे ज़हन च बह जाए कि आप साहब ने गल सानूं घुट के सुनाई ही। नबी पाक ने हांडी दा ढक्कन चुकिया, अपना लाबे दहन थुक शरीफ उस हांडी दे अंदर पा दिता। इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बाकी गल तुसीं सारी समझ गए हो। बीवियां भी साडियां घर ने ते हथ चुमन वालियां तियां भी घर ने ते भैणां भी घर ने नूहां भी घर ने। बाबे वरी पिंड दे लंबरदार ने ते 100 मरबा जमीन टोर भी बड़ा है ते घर देसी मुर्गा पक्का ते हांडी दा ढक्कन चुक के ते बाबे वरी जरा जाके थुक पा के ते वेखण। थुक पा के ते वेखण ते फिर बीवी ने की आखना है, धी ने की आखना है, नूह ने की आखना है ते हाथ चुमन वालियां बेटियां की आखना है। उन्हें आखना है बाबा पागल हो गया, वह हांडी विच थुक दिता ही। पर मैं कुर्बान जावा सियाबा इकराम दी अजमत तो अल्लाह फरमांदा है वाइदा की लाला हुम आमिनू कमा आमन नास। दुनिया वालियो मेरे मुहम्मद नू एवें मनो जिवें सियाबा ने मनिया है। पहला सवारा जनाब कारी साहब तशरीफ फरमाने, मेरे नबी नू एवें मनो जिवें सियाबा मनिया ते सियाबा दी मौजूदगी विच मेरे नबी ने अपना थुक शरीफ हांडी दे अंदर पाया
ते फरमाया जाबर ए वरताना शुरू कर दे। जाबर सालन पापा देंदे ने पए, सियाबा इकराम बह बह खांदे ने पए। जदू सारे सियाबा ने रोटी खा ली, पक्का सी सालन चार तू अठ बंदियां दा या दसां दा। सियाबा रोटी खा ली, हुण तवज्जो 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 मुसलमान भाइयो, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात दा मुहम्मद मुस्तफा दे बारे च की अकीदा है। असी नबी पाक दी बशरीयत नू भी मनने आ, नबी पाक दी नूरानीयत नू भी मनने आ, नबी पाक दी हकीकत नू भी मनने आ। सहाबा ने ओ जिस हांडी विच थुक पिया सी लाबे दहन शरीफ खादा सारिया ही, ते हजरत जाबर अगे अर्ज कीती, ऐ जाबर जेड़ा तू सालन पकाया सी पंजां दसां बंदियां दा, ओह किन्नियां बंदियां ने खादा सी? ते जाबर ने दो जवाब दिते। हदीस पाक मेरे नबी दा फरमान, हजरात फरमाया पहला अपना अकीदा बयान कीता ते फिर तदाद दसी अकीदा की सी। फरमाया लोको पुछन वाले हो, मैं पंजां दसां बंदियां दी पकाई सी, मेरा कीदा है अगर एक लख भी हुंदा ते सालन नहीं सी मुकना, पर उस वेले एक हजार बंदा रोटी खा गया, सालन एवें पिया सी जिवें एक बंदे भी नहीं खादा। हुण आखो असीं इत्थे की लैणा आया? अल्लाह दा शुक्र अदा करन जिन्हें सानू एडी शान वाला रसूल अता फरमाया। मेरी सरकार फरमाते ने मैं वादिये बताहा च गया, मैं वेख्या दो फरिश्ते आसमाना वलों थले उतरे, एक पहले आसमान ते एक थले खलोता है, उहदे हथ विच तरकड़ी। मैं उन्हें उतले नूं पुछया, हुआ हुआ ऐ ने हुआ ऐ ने? उन्हें आख्या हाँ हाँ नाम यही ने। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह मैं समाना तो आया, असी दो जने को जे ते एक मैं जा, असी तुहाडा वजन करना है। सरकार ने फरमाया वजन करो। लो जल्दी जल्दी हदीस पाक सुन लो। मेरी सरकार फरमाते ने उन्हें तरकड़ी फड़ी, एक बंदा एक तरकड़ी खिला रहा, दूजी विच मैनू खिला रहा, मेरा वजन वध गया, बंदे वाली तरकड़ी उठ पई, उन्हें उन्हूं ला दिता, ते दस बंदे खिला रहे, फिर मैनू खिला रहा, मेरा वजन फिर वध गया, उन्हें दसां नूं थले लाया, ते सौ बंदा तरकड़ी विच खिला रहा, फिर मैं खलोता ते मेरा सौ नालों भी वजन वध गया। ओ यारो पिछों तक उची आखो सुभान अल्लाह, एक जबान खामोश ना रहे। अपने नबी दियां शाना सुनन वाले हो, अल्लाह दा शुक्र अदा करन वाले हो, अपने दिलां ते हथ रख के मेरे नबी दी हदीस सुनियो, शान सुनियो, फिर पिछली आखरी बंदे तक सीना तान के सुबहान अल्लाह कह के आवाज ते हवावां ते फजावां नूं अपने नबी दे जिक्र दा गवाह बनायो। मेरी सरकार फरमांदे ने उन्हां सौ बंदा थले ला दिता, तरकड़ी दे विच एक हजार बंदा बिठाया, ते जदू तरकड़ी बहुती उठे ना भारा वजन दूजे पासे आए, मेरे वल वेख्यो तरकड़ी एकदम एवें उठदी है। नबी पाक ने फरमाया जदों उन्हें हजार बंदा रखिया ना तरकड़ी च, ते मैं दूजे पासे पैर रखिया, हजार बंदा एवें उठिया, मैनू एवें लगा जिवें मेरे उत्ते डिग पैण लगा। हुण तवज्जो अपने नबी दी शान, अपने दिल ते हथ रख के सुनियो, बावाज़े बुलंद अपने नबी दी शान नूं बयान करियो। ओ फरिश्ता जिहड़ा आसमान ते बैठा है, थले फरिश्ते नूं बोल के आंदा है, ओ मेरे साथी तू एक रखिया नबी भारा, तू दस रखे नबी भारा, तू सौ रखिया नबी भारा, तू हजार रखिया नबी भारा, अल्लाह दी इज्जत दी कसम कदी तू सारी कायनात भी रख ले, मुहम्मद दा वजन फिर भी ज्यादा ही होना। क्या बात है हजरत, क्या कहने, सादा सादा गल्लां ते डूंगियां गल्लां। अलामा साहब ने गल ठीक नहीं की, हाय या अल्लाह जिहड़ा गोडिया तो हथ चुके बोले ना सुभान अल्लाह, उहदे गोडिया च कदी दर्द ना होवे, सुभान अल्लाह, ते जिहड़ा मुस्कुरा के कवे सुभान अल्लाह, उहदा चेहरा गुलाबां तरह खिलिया रहे, कदी गम ना आवे। भजन पिछे जिहड़े बैठे नाराज़ ते नहीं बैठे, तुहाडा भी उही नबी है, साडा भी उही नबी है, हथ चुके इस्तकबाल करके कह सकदे हो नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हाजरी नी गिरामी किबला अलामा साहब क्या कहने हजरत सुभान अल्लाह।